हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले नियॉन ग्लोइंग विक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, ये सारा एडिटिंग हमने पिक्सआर्ट से करा है, बट कई लोग का डाउट रहता है कि ये पिक्सआर्ट में एडिटिंग नहीं होता, ये फोटोशॉप में होता। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं पिक्सआर्ट में आप लोग को करके दिखाऊंगा कि आप लोग इस टाइप से एडिटिंग कैसे करेंगे। बस आप लोग को स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना होगा। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑल करिएगा ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए फटाक से पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं। तो फोटो को पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है, एंड जो फोटो का बैकग्राउंड रहेगा वो आप लोग को रिमूव कर लेना है। मैंने पहले से कर लिया था ताकि ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए। एंड फिर आप लोग को इस वाले आइकन पर जाना है इफेक्ट पे, और आप लोग को यहाँ से मैजिक टूल्स ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैजिक टूल्स ढूंढ लेता हूँ, ये रहा। ठीक है, एंड आप लोग का डाटा कनेक्शन ऑन होना चाहिए तभी ये फ़िल्टर अप्लाई होएगा। तो ये वाला फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है, तो डाटा कनेक्शन ऑन करिएगा। तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, जैसे कि देख सकते हो फिल्टर अप्लाई हो चुका। तो आप लोग को इसी पे टैप करना है। एंड गाइस, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इसका जो अमाउंट है ना, आप लोग को इसे रखना है 10। ठीक है, 10 रखने के बाद आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को इस पर टैप करना है। एंड टैप करने के बाद आप लोग को इरेजर पे जाना है, और आप लोग के जो टी शर्ट पे कलर आ रहा है इसे आप लोग को रिमूव कर लेना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मैं इस टाइप से कर लेता हूँ। एंड हाँ गाइस, कई दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, मेरा फ़ोन बहुत ही हैंग करता जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट मैंने अब फ़ोन को अपने रीसेट कर लिया, तो अब मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को कर लेना है। एंड आप लोग को फिर क्या करना अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। एंड डन करने के बाद आप लोग को अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना, जो आपकी टी शर्ट रहेगी वही दिखनी चाहिए। तो मैं कुछ इतना क्रॉप कर लेता हूँ इसे, एंड क्रॉप करने के बाद यहाँ से कर लेता हूँ डन। एंड आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ से जाना आप लोग को ड्रॉ टूल्स पे। एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद अगर आप लोग की टी शर्ट ज़्यादा ब्लैक नहीं है और दूसरी कलर है, तो आप लोग को क्या करना है, कलर पे जाना है यहाँ से। ठीक है, और इस पर टैप करना, जो आपकी टी शर्ट का कलर रहेगा उस पर आप लोग को अप्लाई करना है। तो मैं क्या होता है ना, कई टी शर्ट में क्या होता है, कई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग पेंसिल पे जाइएगा और इसकी हार्डनेस को कम करिएगा। ठीक है, और फिर इस टाइप से जहाँ पे डिज़ाइन रहती है ना टी शर्टों में, तो वो आप लोग इस टाइप से इरेज कर सकते हैं। तो मैं एक मिनट साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, एंड कुछ इस टाइप से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग को अब क्या करना है, फ़ोटो को सीधा सेव कर लेना है। ठीक है, सेव करने के बाद आप लोग को एक बैकग्राउंड लेके आना, वो बैकग्राउंड की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करिएगा। तो चलिए हम बैकग्राउंड को ले आते हैं, आप लोग ये वाला बैकग्राउंड लेके आना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो हम लोग ने फोटो अपनी सेव करी तो वो ले आना है एड फोटो पे जाके। गाइस, फोटो को मैं ले आऊँ, फोटो को लाने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड एडजस्ट करने के बाद अभी आप लोग को बता देता हूँ आप लोग को क्या करना है। ठीक है, यहाँ राइट पर आप लोग को थोड़ा सा भी मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ पहले तो इसको। एंड यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। ठीक, जाना ऐड फोटो पर, आप लोग को एक तो पीएनजी ले आना मार्क्स का। सो ये वाली पीएनजी लाने के बाद आप लोग को अपने फेस के पास लगा देना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लगा देना है। एंड जो फालतू का पार्ट है वो आप लोग कर दीजिएगा इरेज। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ, क्या करना है, यहाँ से डन कर देना। ठीक है, राइट पे, और फिर आप लोग को बता देता हूँ क्या करना है। यहाँ से जाना आप लोग को इफेक्ट पे, और इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कलर वाला आइकन आप लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, कलर वाला आइकन आप लोग ले लीजिएगा, और फिर आप लोग को चौथे नंबर पे एक फ़िल्टर मिलता है, आप लोग को वो फ़िल्टर ले लेना है, और इसका इस पर टैप करना है। आप लोग को जो सेकेंड वाला मिलेगा इसको आप लोग को रखना है 280 के आसपास, आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसे मैं कर लेता हूँ। सो ये हो चुका है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है आप लोग चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से कर देना आपको डन। ओके, एंड गाइस, आप लोग को अब क्या करना है, फिर आप लोग को ऐड फोटो पर जाकर एक तो पीएनजी को फिर ले आना है। सो ये वाली पीएनजी को आप लोग को लगा देना अपनी टी शर्ट के पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ पे, एंड आप लोग को यहाँ से कर देना डन। एंड फिर आप लोग को जाना है यहाँ से ड्रॉ टूल्स पे, एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद आप लोग को बता देता हूँ यहाँ का प्रोसेस क्या करना है आपको। यहाँ से आप लोग को जाना है इस वाले आइकन पे, कलर वाले पे। ठीक है, और यहाँ से आप लोग को ये वाला कलर ले लेना है, और यहाँ से कर देना डन। ठीक है, फिर आप लोग को आइस के पास आप लोग को भर देना है। ठीक है, तो ऐसे जूम करना है, एंड साइज़ वगैरह देख लीजिएगा, एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को ऐसे आँखों के पास लगा देना है। ठीक है, ऐसे
तो चलिए हम आँखों के पास लगा लेते हैं। बहुत ही अच्छे से करिएगा आप लोग ये काम, एंड आप लोग और भी अच्छे से कर सकते हैं। इरेज अगर आप लोग को करना है तो ओपेसिटी कम कर दीजिएगा, और फिर यहाँ इरेजर पे जाके बड़ी अच्छी तरीके से आप लोग इस टाइप से इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है गाइस। आप लोग इसका अमाउंट वगैरह रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मेरे ख्याल से इतना रख लीजिएगा, है ना। एंड गाइस फिर आप लोग को क्या करना है, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बना लेना है, ठीक है। और फिर आप लोग को क्या करना है, इस वाले आइकन पे जाना है और आप लोग को ये गोला ले लेना है, ठीक है। गोला लेने के बाद आप लोग को यहाँ सर के पास आप लोग को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो एक मिनट मैं कलर पे अप्लाई कर देता हूँ पहले। तो इसे आप लोग को बड़ी अच्छी पोजीशन में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आप लोग क्या है, इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा। तो मैं इसे ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। एंड आप लोग को क्या करना है, यहाँ से डन कर लेना है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को फिर क्या करना है, यहाँ से एक तो एम्प्टी लेयर और बना लेना है, ठीक है। और फिर आप लोग को यहाँ से जाना है आप लोग को पेंसिल पे, एंड इसकी हार्डनेस को एकदम कम कर दीजिए कुछ इतना, ठीक है। साइज वगैरह देख लीजिएगा और फिर आप लोग को गोले के ऊपर चला देना इस पर, तो ये थोड़ा सा लाइट मारेगा, ठीक है। एंड लेयर पे जाइएगा और इसे कर लीजिएगा आप लोग ऐड, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा तो ये कलर मारेगा, ओके। ये प्रोसेस आपको करना है और ये बहुत ही आराम से करिएगा, ठीक है। मेरा तो फ़ोन हैंग कर रहा है तो मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपको आराम से करना, देख सकते हो कितना हैंग कर रहा है। और यहाँ आँख के पास भी आप लोग कर सकते हैं, यानी इसका अमाउंट है ना जो, वो आप लोग इस टाइप से कम कर लीजिएगा। ये हो चुका है गाइस, ओके डन। एंड इसका मैं थोड़ा सा और अमाउंट बढ़ा देता हूँ, फ़ोन बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। एंड आप लोग को आप क्या करना है, इस वाले आइकन पे जाना है, ठीक है। एक मिनट, इस वाले आइकन पे फिर जाना है आप लोग को, और इस बार आप लोग को ये ले लेना है, ठीक है। और इसे कर देना फिल। फिल करने के बाद आपको यहाँ नीचे के टी शर्ट के साइड पर लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा करके कर लीजिएगा। अभी मेरा फ़ोन बहुत ही हैंग कर रहा है, तो ये कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। एंड ऐसे भी आप कलर दे सकते हैं, जो कलर लाइट मारता है ना, उसे भी आप लोग इस टाइप से दे सकते हैं, ठीक है। तो कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मेरा फ़ोन थोड़ा सा हैंग कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को कर लेना है और फिर फ़ोटो को कर लेना है सेव। जैसे कि देख सकते हो फोटो हमारी एडिट हो चुकी है एंड गैलरी पे भी सेव हो चुकी है। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।